Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Nishu. अच्छा भाई, तो आज की जो वीडियो है उन तमाम बहनों के लिए जो कि हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करती है, निशु प्लीज हाथों और पैरों के लिए कुछ बता दे. तो निशु भाई बताने लगी है आज की वीडियो में आप लोगों को कि हाथ और पैरों को आप लोग किस तरह से ग्रूम कर सकते हो, टैन है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हो और इन तमाम चीजों के लिए आप यूज क्या करो. एक ही वाहिद चीज होगी जो कि आपने यूज करनी होगी एंड आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगे. एंड मैं खुद क्या यूज करती जा रही हूँ या आ रही हूँ या कर रही हूँ वो भी आपको पता लग जाएगा. सामने छत पे कोई कपड़े बिछा रहा है और मुझे दौड़ रहा है, बट खैर इग्नोर मारे उसको. लेकिन मैं क्या बोल रही थी, वो जरूरी बात ये है कि इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ स्टोरीज शेयर की थी. डेली बेसिस में मैं स्टोरीज शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो काइंडली कर लें. आप लोगों को पता चलता रहेगा मेरी लाइफ का क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. सो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हाथ कितने ज्यादा ड्राई हो रहे हैं. इवन प्रेगनेंसी में होता भी है, बट उसके लिए मैंने यूज क्या किया वो भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कर रही हूँ और करती जा रही हूँ और कर रही हूँ. कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं. चले भाई वीडियो शुरू करते हैं. उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी आपको. अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अच्छा जी, तो मेरा नीचे झुकना जो है ना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने बुला लिया अपनी छोटी बहन को. तो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि उसका पेडिक्योर मैनीक्योर मैंने किस तरह से किया. सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी लिया, बहुत खोलता हुआ नहीं लेना, पैर नहीं जलाने. नीम गर्म पानी लेना है और उसमें गुलाब की पत्तियाँ डालने. कोशिश करें कि गुलाब की पत्तियों को पहले से ड्राई करके अपने पास रख लें. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. चलें भाई, तो पहला प्रोडक्ट जो है वो है गो फॉर ग्लो पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर सोक. इसको मैं थोड़ा सा लूँगी और अपनी बहन के दोनों पैरों पर इवनली अप्लाई कर लूँगी, ठीक है. और थोड़ी देर बाद उसको बोलूँगी कि पैरों को डिप करो पानी में. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शैम्पू, सिरका या नींबू, नमक वगैरह जो है पानी में ऐड करके पैर डिप कर सकते हो. लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला तो ये जिनके पैरों में से अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है, शूज़ जो बंद शूज़ पहनते हैं, मर्द हजरात भी इसे यूज़ कर सकते हैं. सो इसके इस्तेमाल के बाद जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है. आप रोज़ाना जो है वो पेडिक्योर नहीं कर सकते, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो. सबसे ज़रूरी बात कि इसमें है नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके पैरों को कंडीशन करती है. लेवेंडर और पेपरमिंट जो है आपके पैर से एक तो स्मेल रिमूव करता है और दूसरी बात कि आपके पैरों को रिफ़्रेश करता है. स्पिन सॉल्ट जो है वो आपके पैरों की रफनेस को रिमूव करता है और आपके पैरों को स्मूथ एंड सॉफ्ट कर देता है. 15 मिनट तक हम इसको भिगो के रखेंगे पैरों को, ठीक है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग. स्क्रबिंग मतलब कि पैर पर से जो डेड स्किन है उसको हम करेंगे रिमूव. और उसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ गो फॉर ग्लो का सेकंड स्टेप जो कि है पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर स्क्रब. अच्छा, इन तमाम ट्यूब्स में यू विल गेट 200 ml प्रोडक्ट. और इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और उसको अच्छे से पैर पर अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है. हील का भी मसाज करना है और आगे फिंगर की तरफ से भी अच्छे से मसाज करना है ताकि तमाम जो डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए. इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई? सबसे पहले तो जो रफनेस है आपके पैर की वो हो जाती है रिमूव. अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो तो टैन भी ये रिमूव करता है. लेकिन टैनिंग के लिए मास्क आता है जो कि इनका बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन स्टेप है, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, आगे. और आपने हील फाइलर लेना है और उससे अपनी हील की स्क्रबिंग करनी है ताकि जो डेड स्किन है हील पर वो रिमूव हो जाए अच्छे से. एंड ये स्टेप करने के बाद आपके पैर जो हैं बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील करते हैं और इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि आपकी सोच. लेकिन मज़ा तब आता है जब पेडिक्योर कोई और करके दे रहा हो. अच्छा बहनों, तो पैरों का अच्छे से मसाज करने के बाद, स्क्रबिंग के बाद आपने पैरों को वॉश कर लेना है, ठीक है. और ये मरहला जो है वो थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन इतना पेनफुल नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो. उंगलियों के पैर रिमूव करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी वीट की फेस वैक्स स्ट्रिप्स जो कि आसानी से आपके बालों को रिमूव कर देती हैं. लेकिन अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते बाल, बिल्कुल मत रिमूव करें, ठीक है. लेकिन अगर रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप कोई भी वैक्सिंग तरीका आप घर वाला ही यूज़ करना चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो. सो इस तरह से हम तमाम बालों को करेंगे रिमूव. उसके बाद इसमें आता है एक छोटू सा वाइप और उससे हम इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे, मतलब कि अगर थोड़ी बहुत वैक्स यहाँ पर रह गई हो तो वो हो जाती है अच्छे से रिमूव. देन आता है थर्ड स्टेप विच इज़ ग्लो फॉर ग्लो पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर क्रीम. देखो, ये स्टेप बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम फेशियल करते हुए
टोनर अप्लाई करते हैं मास्क से पहले, तो बिल्कुल वैसे ही आपने थोड़ी सी ये क्रीम लेनी है और अपने पैरों पे अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। ये डीपली पेनिट्रेट हो जाती है आपके स्किन में और अगर डैमेज स्किन है उसको करती है क्योर। पैरों के लिए ये बहुत बेहतरीन है, इसको आप पेडिक्योर के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके हील्स जो हैं वो क्रैक हैं उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी में मेरे पैर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत 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 बेहतरीन है, टोटली रिकमेंडेड। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप है गो फॉर ग्लो का पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर फुट मास्क। ये स्टेप बेहद इंतहाई ज़बरदस्त स्टेप है। ये है बेसिकली मास्क, जैसे हम फेस पर मास्क अप्लाई करते हैं उसी तरह से आपने पैर पर भी मास्क अप्लाई करना है और मैं आगे आपको जो तरीका बताऊंगी बिल्कुल वैसे आपने करना है। ये आपके पैरों को हाइड्रेट करता है, इसमें आलमंड ऑयल है, मतलब नरिश करता है। इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं ना आपके पैर और आपके पैरों का कलर एकदम से ब्राइटन अप हो जाता है, टैन रिमूव हो जाता है। तो अब पैरों को जो है ना बिल्कुल सैंडविच की तरह आपने कर लेना है रैप इस रैपिंग शीट के साथ। मुझे बिल्कुल नाम भुला हुआ है इसका, लेकिन ये स्टेप बहुत 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 अमेजिंग है। मतलब आपके पैर इतने ब्राइटन अप हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 15 या 10 मिनट्स बाद आपने करना है रिमूव इस रैपिंग शीट को और पैरों को धो लेना है। और नेक्स्ट स्टेप है गो फॉर ग्लो का पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर लोशन, जो आपके पैरों को करता है हाइड्रेट, सॉफ्ट, सिल्किन। इसमें शिया बटर है, विटामिन ए है, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको रात में भी यूज़ कर सकते हो, सुबह में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप पेडिक्योर के बगैर भी यूज़ कर सकते हो और ये ग्रीसी और ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है उन लड़कियों के लिए जिनके पैर हो जाते हैं टैन या सनबर्न, वो ये वाला स्टेप ज़रूर यूज़ करें। सो ये कहलाता है गो फॉर ग्लो पेडी सॉल्यूशन पेडिक्योर कूलिंग जेल। इसको अगर आप अकेले भी यूज़ करते हो तो इसके बहुत सारे फ़वाद हैं भाई। लड़कियाँ ऑब्वियसली गर्मी में खुले जूते पहनती हैं, पैर जो है वो अजीब अजीब से निशान पड़ जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। एक तो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें है मेंथोल एकुलेप्टस और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल फॉर्म में है, तो बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी पैरों में ग्रीसीनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती और डिहाइड्रेटेड अगर पैर हैं आपके तो बिल्कुल हाइड्रेट हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से। आप इसको जो है सुबह में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको रात में भी यूज़ कर सकते हो जब आपका दिल करे, मतलब कि टोटली रिकमेंडेड। सो मैं इसे ख़ुद भी यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत बेहतरीन है, तो मैंने सोचा अपनी बहनों को भी कर दूँ मैं रिकमेंड। तो अब चलते हैं भाई हाथों की तरफ। तो पहला स्टेप जो है मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैनी सॉल्यूशन का गो फॉर ग्लो का ही, ये है मैनीक्योर सोक। सेम वही टेक्निक और वही तरीका है कि आपने थोड़ा सा लेना है, पानी में डाल दें या हाथों पे लगा के पानी के अंदर डिप कर दें, जो आपकी मर्ज़ी। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है और फिर उसमें अपने हाथों को कर देना है 15 मिनट्स के लिए डिप, अगर आपके बहुत ड्राई हैं हाथ। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है 5 मिनट के लिए रखिए और फिर निकाल लीजिए। और इस ट्यूब में आपको मिलेगा 150 ग्राम प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट करता क्या है कि आपकी स्किन पर, आपके हाथों पर जो डेड स्किन होती है उसको कर देता है सॉफ्ट और नेक्स्ट स्टेप के लिए करता है इसको तैयार, जो कि है स्क्रबिंग या एक्सफोलिएटिंग, आपके हाथों से जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना। सो ये कहलाता है मैनीक्योर एक्सफोलिएंट। सो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है इसकी और हाथों पर अप्लाई करना है और उसको करना है अच्छे से मसाज 5-7 मिनट के लिए और फिर आप उसको वॉश कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि आपके हाथों पर से टैनिंग को रिमूव करता है, एलोवेरा जेल है जो कि आपके हाथों को करता है मॉइस्चराइज, आपके हाथों को ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करता और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि विटामिन सी, ए, ई एंड एफ, जो कि डीपली हाइड्रेट करते हैं आपके हाथ को। सो हमने अच्छे से कर लिया मसाज और उसके बाद हम करेंगे अपने हाथों को वॉश। ओए होए, जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो बहुत ही कमाल का है, जो कि है गो फॉर ग्लो का मैनी सॉल्यूशन मैनीक्योर मास्क।
मतलब कि आप अगर इसको यूज़ करते हो ना तो आपके हाथों की टैनिंग जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जानी है, लेकिन आपने वही रैपिंग टेक्निक यूज़ करना है अपने हाथों पे जो कि हमने पैरों पे यूज़ किया था। हमने यहाँ पे हाथों पे यूज़ नहीं किया क्योंकि स्क्रबिंग के बाद ही हाथ जो है वो काफ़ी ब्राइटन अप हो गए थे, तो हमने कहा भाई इसको हम ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं और 10-15 मिनट बाद धो के देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है। सो हमने इसको लगाया, छोड़ा और रिज़ल्ट अभी आप लोग खुद देखोगे। सो ये रहा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। हाथ बहुत ही मज़े के सॉफ्ट एंड ब्राइटन अप हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो मैं रोज़ाना रात को ख़ुद यूज़ कर रही हूँ, और वो है गो फॉर ग्लो का मैनी सोल्यूशन मैनीक्योर क्रीम। और इसको यूज़ कैसे करना है, थोड़ी सी क्रीम लेनी है, ठीक है, जैसे हैंड क्रीम यूज़ करते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी सी लेनी है और हाथों पर अप्लाई कर लेना है। तब तक थोड़ा सा मसाज करना है जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाती और ग्रीसीनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इससे शिया बटर है, विटामिन B5 है जो आपके हाथों को जो है वो हाइड्रेट रखता है, और मेरे हाथों की जो है ना वो ड्राइनेस सिर्फ और सिर्फ इसी से ख़त्म हुई है। सो ये टोटली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं मेरी तरफ से, क्योंकि इनको मैं यूज़ कर चुकी हूँ और यूज़ करने के बाद आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। सो जैसे कि आप जानते हो मैनी पैडी के लिए मैंने गो फॉर ग्लो का मैनी पैडी किट यूज़ किया है। इसे मैंने ख़ुद यूज़ किया, बहन को कराया, और इवन मेरे साथ जो काम करती हैं यहाँ पे उनको मैंने यूज़ कराया, उन सबको बहुत अच्छा लगा, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, केमिकल फ्री है, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्किन आपकी बहुत रफ़ है तो आप इसको हर हफ्ते भी यूज़ कर सकते हो, टोटली रिकमेंडेड। सो ये मेकअप लुक जो है ये अचीव किया है मैंने, एक दूसरी मेकअप वीडियो में अगर अपलोड कर दी है तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं तो इंतज़ार फरमाइए, क्योंकि कमेंट्स में ये नहीं पूछना लिपस्टिक कौन सी लगाई है, लेंस कौन से है। उस वीडियो में मैंने तमाम डिटेल्स से सब कुछ बता दिया, ठीक है। मजा आया हो वीडियो देखने में, मेरी काविश पसंद आई तो मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।